हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर लगातार जिस बात की चर्चाएं हो रही है, परंतु अभी जो हम जिस बात की जिक्र करेंगे वो बात है दो प्रमुख चिट्ठी कल बिहार सरकार की तरफ से जारी हुआ है। एक चिट्ठी जारी किया है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने और दूसरा प्रशासन यानी पटना पुलिस प्रशासन ने जारी किया है। वो दोनों चिट्ठी से इस बात की पुष्टि हो गई है कि छात्रों, अभ्यर्थियों, युवाओं, नौकरी रोजगार के नाम पर कोई भी सरकार, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे महागठबंधन की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, उसको छात्रों युवाओं के हक पर कोई मतलब नहीं। बस उनको सत्ता से मतलब है, बस उनको गद्दी से मतलब है, उनको सरकार बनाने से मतलब है। युवाओं के नाम पर जो छलावा हुआ और ये चिट्ठी आज प्रमाणित करती है कि लोकतंत्र की समाप्ति हो गई है। आप अपने बातों को रख नहीं सकते हैं। पहले मैं बात करूंगा TRE2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो लगातार घमासान छिड़ा है, और कल एक महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग के जो निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उनके तरफ से चिट्ठी जारी हुआ है कि अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर दबाव बनाते हैं, अगर आप किसी प्रकार की बात करते हैं, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे आंदोलन के माध्यम से हो, तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपको आने वाली परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जाएगा। तो ये क्या है? ये सीधे सीधे मैं कह सकता हूँ कि आप एक अफगानिस्तान है या तालिबान की हुकूमत से इस प्रकार से चल रही है व्यवस्था। आप सीधे सीधे सवाल करें कि आपने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा क्यों किया? आपने सीटेट फेल, एसटीटी फेल, कई फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोगों को नियुक्ति क्यों दी? और जब सवाल पूरक परिणाम को लेकर है, तो आपने छात्रों अभ्यर्थियों के नाम पर जिस प्रकार की चीज़ें की, 14,700 पदों की जो सूची आपने भेजी थी और बीपीएससी ने उस समय रिजल्ट नहीं निकाला, तो आपने चिट्ठी वापस किया। और जब आप शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर हैं तो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो मैं सीधे सवाल पूछता हूँ वो सरकार से जो अभी गठबंधन में है, एनडीए की सरकार, और उसके तीन प्रमुख नेता, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जो राज्यसभा सांसद है और हमेशा प्रेस में बोलते थे कि 40,000 पदों पर पूरक परिणाम आने चाहिए। ये सवाल उनसे है कि आपने अगर छात्रों अभ्यर्थियों पर अगर कुछ किसी तरह की परेशानी है, तो क्या आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते? क्या लोकतांत्रिक तरीके से नहीं लड़ सकते? तो आप इस तरह की चीज़ों पर अगर आप कर रहे हैं और आप चिट्ठी निकाल रहे हैं, तो चिट्ठी किसके बागत से निकल रही है? चिट्ठी किसी कहने पर निकल रही है? तो ये जो तानाशाही रवैया है, चाहे बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का हो, चाहे के पाठक का हो जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के हैं, ये दोनों अधिकारियों, और एक और अधिकारी है जो तानाशाही रवैया अपनाता है, वो अधिकारी है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अध्यक्ष आनंद किशोर। ये तीनों अधिकारियों की वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही है। और छात्रों अभ्यर्थियों पर मेरी बातों को गौर से सुने, कोई छात्र अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी या नौकरी की तैयारी करने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो न महागठबंधन की सरकार पर भरोसा करें, न एनडीए की सरकार पर भरोसा करें, क्योंकि इन दोनों को बस अपने गद्दी से मतलब है। और राज्य के उप मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और श्री विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों लोग हमेशा बोलते रहे, मुखालपत होते रहे कि पूरक परिणाम को लेकर, करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, फर्जीवाड़ा को लेकर। और आज क्या हो गया? जब शिक्षक अभ्यर्थी अपने आंदोलन को लेकर बीजेपी कार्यालय के पास गए, तो पुलिस द्वारा बलपूर्वक उन्हें हटाया गया। और सामने एक लव लेटर निकलता है कि आप बोल नहीं सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई करेंगे भाई? किस तरह की कार्रवाई करेंगे? कितने को आप कार्रवाई करेंगे? आप यही लोग हैं, यही लोग हैं जो कुर्सी बनाने के लिए आपको सिर्फ सत्ता से मतलब है, आपको युवाओं के नाम पर, रोजगार के नाम पर कोई मतलब नहीं है। आपने नौकरी दी, नौकरी दी तो बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा क्यों हुआ? आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपकी हिम्मत नहीं है? आप सॉल्वर गैंग के सामने नतमस्तक हैं। मैं बात करूंगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई, जिसका पेपर लीक हुआ, उसके सामने हम लोग लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन सरकार नहीं मानी। दूसरे प्रमुख जो एसके सिंघल है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, बस उसे हटाया गया है। पर राज्य के पूर्व DGP और बिहार पुलिस चयन परिषद के अध्यक्ष, चेयरमैन, जिनको हटाया गया है, तो क्या आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट के आधार पर, अगर रिपोर्ट गई है, उनको हटाने की ही बात सिर्फ है या गिरफ्तारी की बात हुई है? ऐसे भ्रष्टाचारियों के दम पर क्या इस तरह की व्यवस्थाएं चलेगी? और जब शिक्षक अभ्यर्थी छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, तो आप उन पर कार्रवाई की बात करेंगे? इस तरह की व्यवस्था किसी भी राज्य सरकार में नहीं। और एक बहुत बड़ा, कल महामहिम राष्ट्रपति जी की तरफ से इस तरह की चीज़ें आई है प्रेस के माध्यम से, ये एक अलग कानून बनाया जा रहा है कि प्रतियोगिता परीक्षा में अगर धांधली होती है, तो एक कानून बन रहा है जिसके तहत 3 साल से लेकर और 10 साल तक सजा का प्रावधान है।
तो स्पष्ट हो गया है कि राज्य के हर एक पैमाने में, अभी झारखंड की परीक्षा का पेपर लिख हुआ और बिहार की कोई परीक्षा ऐसी बाकी नहीं जहां पेपर लिख नहीं हुआ, गड़बड़ी नहीं हुए, चाहे दरोगा की परीक्षा हो, चाहे पुलिस की परीक्षा हो, चाहे सिपाही की परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, शिक्षक परीक्षा में अगर बात की जाए तो परीक्षा फेयर हुआ, लेकिन जब से रिजल्ट आया है तब से धांधली की शिकायत मिली है। और बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने मिलकर जो बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया उसका दोषी कौन है? आप उन पर कार्रवाई करने की आपकी हिम्मत नहीं है? आप नतमस्तक के तौर पर गैंग के सामने बीपीएससी के सातवीं पेपर लीक हुआ उसका मुख्य सरगना कौन था? आपको पकड़ने की हिम्मत है? वो व्यक्ति गुजरात कैडर का IAS अधिकारी जो यहाँ से भाग गया, वो टीचर भी है, सेटर भी है, वो सब कुछ है, और आप उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। तो ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि बिहार में सरकार पर अब इकबाल नहीं रहा, छात्रों अभ्यर्थियों की ताकत को, छात्रों अभ्यर्थियों की बात को कुचलने का प्रयास सरकार दमनकारी नीति से करना चाहती है। धारा 144 लागू है पटना में, इसलिए क्योंकि रेलवे की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं लगातार 15 दिनों से चाहे ट्विटर माध्यम से आंदोलन करें, चाहे सड़क पर आंदोलन करें, आपको धारा 144 लगाई गई है कि आप 5 व्यक्ति कहीं एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं, आप अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं। कोचिंग संस्थानों को चिन्हित किया जा रहा है, छात्रों अभ्यर्थियों को पकड़ा जा रहा है, जबरदस्ती गिरफ्तारी चल रही है, क्या इस तरह की व्यवस्था चलेगी? तो ये दोनों पत्र इस बात को पुष्टि करते हैं कि सरकार की तरफ से युवाओं के नाम पर सिर्फ वोट से मतलब है उनको, उनको युवा के नाम पर नौकरी और उनको अपने आगे लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की अगर बात कही जा रही है तो कहीं कोई मतलब नहीं है। बस उनको एक ही चीज़ से मतलब है कि किसी प्रकार से अपने गद्दी पर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की चीज़ें करता है तो क्या आज सुशील मोदी ये चीज़ नहीं देख रहे हैं? अगर पूरे पटने में छात्रों की गिरफ्तारी हो रही है, जगह जगह, यहाँ तक कि प्रेस में बोलने पर रोक लगाया जा रहा है, एक महीना आपको याद होगा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने एक महीना रोक लगाया था, धारा 144 बीपीएससी गेट पर लागू था, क्योंकि वो परीक्षा के तैयारी रिजल्ट के प्रकाशन में कर रहे थे।